हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शानू रावल। आज जो होने वाला इंदौर में होने वाला 10 फेमस कॉलोनियों में या जगहों पे बेस्ट गोलगप्पे, तो मैं आपको बताती हूँ इंदौर में सबसे ज्यादा अच्छे गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं। अच्छा, हमको सिखा। तो हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा मेरा फ्रेंड और मैं जा रही हूँ उसके साथ मरी माता के गोलगप्पे खाने। ये इंदौर की फेमस मरी माता प्लेस, सो इसके जस्ट सामने हम गोलगप्पे खाने वाले हैं। सिग्नल है, ये दे दी अंकल ने हमें प्लेट। इसको छोड़ो, ये हमेशा बात करते था कॉल पे, एक नंबर का बेवकूफ है। मतलब इसको बोल रही हूँ कि मैं खा, बोले रिएक्शन दो खा ली। अब वो गोलगप्पे वाले को सामने कैसे रिएक्शन दूँ यार, कुछ गलत चीज़ हो तो बोलूँगी गंदा लग रहा है, छीन लग रहा है, ऐसा बोलूँगी तो कुछ भी यार। वहाँ के जो गोलगप्पे थे इतने अच्छे भी नहीं थे, खोपड़ी तोड़ और उनके सामने मैं रिएक्शन नहीं दे सकती थी क्योंकि किसी भी गोलगप्पे वाले के सामने रिएक्शन दो तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात मैं मेरे दोस्त को नहीं समझा पाऊंगी, सो सॉरी। ये चले हम राजवाड़ा की ओर। इतनी ज्यादा धूप हो गई है, अभी तो पहले ही स्टार्ट किया था और हालत खराब। हम आ गए सराफा के बेस्ट गोलगप्पे, देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। बहुत सुना है यहाँ के बारे में। इसका मुख्य रिएक्शन तो देख लो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ के जो सराफे के गोलगप्पे है ना, यहाँ पे टेस्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि हम तो चौपाटी के खाने वाले, तो हम लोगों को क्या ज्यादा तीखा मतलब पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं। बट हाँ, पपड़ी में इतना ज्यादा नमक था, इट्स ओके बट गुड। ये अंकल बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। Yeah, दोपहर है ना गाइस, इसीलिए गोलगप्पे के ठेले नहीं मिल पा रहे, तो हम लोग जो शूट है ना अब नाइट में करेंगे, तो फिर मिलते हैं नाइट में। ये हो गया शाम, अब जा रहे हैं हम मेघदूत गार्डन गोलगप्पे खाने। चलो चलते हैं, स्पीड। ओ नहीं नहीं नहीं, हम आ गए हैं सायाजी होटल के पास मेघदूत गार्डन में, जहाँ के गोलगप्पे टेस्ट कर रहे हैं कैसे हैं। चलो मेघदूत के गोलगप्पे खाते कैसे हैं। अंकल गोलगप्पे खिला दो हमको, इस साइड आ जाए। चलो हमको अंकल बहुत प्यार से गोलगप्पे खिला रहे, फटाफट हम खा लेते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। मैं गरीब हूँ। पीयूष बताएगा यहाँ के गोलगप्पे उसको कैसे लगे। मैं कब से बोले जा रही हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा बेचारा। बोले पीयूष, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छे थोड़े मतलब, हाँ मतलब अच्छे लगे, 20 रुपए के हिसाब से ठीक है, खिला दिया उसने साथ। महंगे बहुत है, जितने अच्छे रास्तों पे मिल जाते हैं यहाँ पे गार्डनों में थोड़ा महंगा ही मिलता है हर चीज़। चलो ठीक है, अब दूसरी जगह ट्राई करते हैं। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, पाटलीपुरा। हाँ पाटलीपुरा, हम आ गए इंदौर में
उज्जैन के बेस्ट गोलगप्पे खाने। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ ऐसी भीड़ रहती है, तो आप भी आइएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के 10 के 5 रहते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। आज मैं पीयूष को फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि इसने कभी टेस्ट ही नहीं किया है। गजब बेइज्जती है। मिल गई कटोरी, यहाँ बहुत भीड़ रहती है ना, तो अंकल के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, फिर भी अंकल बहुत प्यार से सबको खिलाते हैं। चर्च के पास मिल जाएंगी, 7 नंबर गली में। मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे। वो तो देने ही पड़ेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? देख लूंगी। दो चुपचाप। ये अंकल के यहाँ से बहुत लेट पपड़ी मिली, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। आज कुछ तूफानी करते हैं, हम इतने रॉन्ग साइड जा रहे हैं, इतने रॉन्ग साइड उल्टे काम करने में तो मजा ही कुछ और है। ये आ गए हम LIG के अटल द्वार, ये किया हमने LIG प्रवेश। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक है। देखो कैसे आते, देखो कैसे चला रहे थे, बट हमने कर लिया है प्रवेश अटल द्वार। ये रहा चौराहे पे LIG अटल द्वार के पास फेमस गोलगप्पे, बट मेरे को यहाँ की दही पूरी अच्छी लगती है। यहाँ पे फ्लेवर्स भी मिल जाएंगे, बट बेस्ट है दही जो भैया मेरे लिए बना रहे हैं। क्या सीन है, वह क्या सीन है। मोबाइल की पूरी बैटरी खत्म हो गई है मेरे आईफोन की, क्योंकि आईफोन में एक प्रॉब्लम है, इसकी बैटरी बहुत जल्दी चली जाती है, बट फिर भी इतनी देर टिक गई। नाइस, तुम कुछ बोलोगे, तुम्हें दही पूरी कैसी लगी? सैमसंग का फोन अच्छा रहता है। ये एंड्रॉइड मोबाइल वाले ना सैमसंग की मतलब तारीफ ही करेंगे, हमारे आईफोन की तो बुराई करेंगे। कर लो भाई। लेकिन हाँ, बातों बात में भूल गई, मेरे को दही पूरी बहुत अच्छी लगी। और आप बताओ? अच्छी थी। इतना सीरियस भी नहीं होना था पीयूष। नेक्स्ट लोकेशन है 56, मिलते हैं हम आपको 56 पे, चलो लेट्स गो, बट धीरे चलाना। बहन डर गई। इतनी ज्यादा ट्रैफिक है कि समझ नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, दिखाती मैं आपको। लो गाइस, हम आ गए 56, तो हम आपको 56 की गोलगप्पे टेस्ट करवाने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ। लो बैग, तुम्हारी संपत्ति, तुम इसमें सूट करते हो। बेचारा वेट कर रहा है पीयूष। 30 रुपए एक प्लेट, इतना ज्यादा गोलगप्पे खा चुके हैं कि पेट में जगह ही नहीं है, बट एक गोलगप्पा खा के टेस्ट करके आपको बताऊंगी, बाकी किसको खिला दूं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ये ले आया, कितने देर से वेट कर रहे थे हम, 15 मिनट लग गए, इतना अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। Few moments later. 56 के गोलगप्पे इतने बकवास थे, क्योंकि मैं आपको वहाँ नहीं बता पा रही थी, मेरे सॉन्ग का भी रेट लग जाता, लेकिन सच में इतने बकवास। अब निकल चुके हैं हम सरवटे के लिए।
हम खाएंगे सरवटे के गोलगप्पे गप्पे। बहुत ही ज्यादा पैसे उड़ चुके हैं फिर भी हम खाएंगे सरवटे के गोलगप्पे गप्पे। बोरा रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के पास मैंने तो बहुत गोलगप्पे खा लिए हैं, अब पीयूष की बारी। इससे तो मोमोज भी खा लिए चतरे ने, मैंने बोला था मत खाओ। ये शायद कुछ बोल नहीं पा रहा, उसके लिए मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा पहले गोलगप्पे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये है लालबाग, लालबाग के सामने का लोकेशन। ये थक गया पीयू और एक गोलगप्पे का ठेला। ये बना रहे भैया गोलगप्पे जो कि 10 के 4 मिलते हैं लालबाग के गेट के पास ही लगाते ठेला। अब देखते हैं यहाँ के गोलगप्पे कैसे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कैसे भीख मांगते हैं पपड़ी के लिए, कुछ तरीका है भीख मांग। थैंक यू। हम आ गए रंजीत हनुमान, यहाँ के भी गोलगप्पे टेस्ट कर ही लेते हैं कैसे हैं बाबा। ये रहा आंटी का गोलगप्पे का ठेला, रंजीत से 500 या 600 मीटर की दूरी पे। पीयूष गोलगप्पे नहीं खा सकता, उसकी तबीयत खराब हो चुकी है सीरियसली। अब हम डॉक्टर के पास आए, लेकिन मैं तो खा सकती हूँ ना। छोले भी खिलाओ। हाँ छोले में खिला दो। So guys, अब हम निकल चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन हमारी लोखंडे के लिए। हम बहुत ज्यादा गोलगप्पे खा के थक गए थे तो जूस पीने आ गए। पीयूष का मुंह उतरा हुआ है, वो बीमार है। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी, मुंह खोल। वो हो गई है बहुत ज्यादा रात और ये डॉगी अकेले घूम रहे हैं। अकेले मत घूम। राजवाड़ा की और मरी माता के बीच में आता है। बहन 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 ये क्या है, बहुत तेज हो रहा है। पीयूष को यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद है, बट वो नहीं खा सकता क्योंकि वो बीमार है। मैं नहीं बताऊंगी क्यों बीमार है। आखिरी गोलगप्पा और वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा तीखा होता है मैंने सुना है। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। बीमार होने के बाद भी गोलगप्पे खाना नहीं छोड़ेगा। हमें बता तू बीमारी क्या है। आई एम सॉरी बाबू। तो गाइस जो आज का चैलेंज था हमारा हुआ खत्म। तो हम बताएंगे कि हमको सबसे ज्यादा अच्छे गोलगप्पे कहाँ के लगे। पीयूष पहले आप बताओ। मुझे तो सिर्फ एक जगह के अच्छे लगे, वो है मैकडू। और मुझे 2-3 जगह के अच्छे लगे। एक तो मैकडू गार्डन के तो ठीक थे, मतलब अब इतने फेमस जगह है। सबसे घटिया लगे मुझे 56 के, कभी जिंदगी में नहीं खाऊंगी गोलगप्पे और पैसे तो वेस्ट हो गए। और एक थे तो मुझे भी 56 के लगे। और एक कहाँ के थे,
वो पाटलीपुरा, पाटलीपुरा में उज्जैन के गोलगप्पे मिलते वो भी अच्छे थे, और एक थी दही पूरी वो भी अच्छी थी, और थोड़ी बहुत अच्छी लास्ट में रंजीत की बेंच लगी। सो गाइज, अगर हमारा ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सपोर्ट करिए, लाइक किए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।